नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो को टाइटल दोस्तों आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं BPSC बिहार AAO ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता BPSC क्या है, तो BPSC है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने एक AAO की ऑनलाइन फॉर्म निकाला था 2021 में। तो दोस्तों देखा जाए तो ये फॉर्म पहले आ चुका है, लेकिन अब ये दोबारा अपडेट हुआ है, क्योंकि जो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे ताकि वो अब भर सकें, इसकी जो लास्ट डेट थी अब वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि BPSC में क्या जॉब प्रोफाइल है जिसके लिए हमें फॉर्म भरना है, और इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने ये साइट खोल रखी है, सरकारीresult.com करके काफ़ी फेमस साइट है ये। दोस्तों मैंने ये इसको ये लिंक आपको सामने दिख रहा होगा, BPSC AAO वाला, इसको क्लिक करना है और ये आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। मैंने पहले से ही वो पेज खोल रखा है। तो दोस्तों आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है बिहार BPSC AAO रिक्रूटमेंट 2021। जो देखिए दोस्तों, अब जो पोस्ट डेट थी वो 9 अप्रैल थी 2021, दो महीने पहले की पोस्ट है ये। देखा जाए तो जो 9 अप्रैल को पोस्ट आई थी, लेकिन अब देखिए दोस्तों पोस्ट अपडेट 23rd of June, आज इसका अपडेट आया है सुबह 10:40 पे। आज सुबह ही इसका अपडेट आया है कि जो एक्सटेंशन हो गई है इस फॉर्म को भरने की। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं BPSC के बारे में। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC पटना आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। AAO का जिसको मतलब नहीं पता था वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। दोज कैंडिडेट्स दैट आर इंटरेस्टेड इन वैकेंसीज इन BPSC कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें यह लिखा है दोस्तों कि जो BPSC है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है पटना की, उन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब निकाली है, और जो लोग इंटरेस्टेड है बस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसकी, एप्लीकेशन जो बिगिन हुई है वो 17th of April को हो गई थी 2021 को, लेकिन अब जो इसकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 29th of June हो गई है 2021। और 23rd of June है, अभी भी इन्होंने 6 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं लोगों को, जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे गलती से, भूल गए होंगे अप्लाई करना या डेट मिस हो गई लोगों से। तो दोस्तों ये काफ़ी सुनहरा मौका है उनके लिए, वो भर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट है वो लिखी हुई है 29th of June। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, वो सून आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। मैं इस चैनल पे वीडियो डाल दूँगा जैसे ही इसकी डेट आएगी, और इसका जब एडमिट कार्ड भी आएगा तब भी एक वीडियो आ जाएगी इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड को, कि डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल और EWS और OBC, यहाँ पे सिर्फ BC लिखा है, ओ मिसिंग है यहाँ पे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, BC मतलब OBC है। तो इसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपीज़ है, SC ST की 150 रुपीज़ है, ठीक है। बाकी जो बिहार डोमिसाइल है फीमेल, उनकी 150 फीस है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, ये तो सबको पता ही होता है कि डेबिट कार्ड डलता है, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग फ़ी हम भर सकते हैं। तो दोस्तों हम नीचे आते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, ये मैं हटा दूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें। हाँ तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट नेम क्या है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। टोटल पोस्ट हैं 138 पोस्ट है, और एज लिमिट दोस्तों एज ऑन 1st of August 2021, 1 अगस्त 2021 तक दिन की एज 21 से लेके 37 के बीच में है मेल्स में, और फीमेल में 21 से लेके 40 के बीच में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी दोस्तों मेन है, इसमें देख सकते हैं कि क्या चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, और MBA इन फाइनेंस, CA और ICWA। दोस्तों या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, या तो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, या आपको MBA होनी चाहिए आपके पास फाइनेंस में या CA में, ठीक है। दोस्तों नीचे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। 138 पोस्ट टोटल थी, तो जनरल की 54 हैं, EWS इज 14, OBC 17, OBC फीमेल 4 पोस्ट हैं, EBC 25 हैं, SC हैं 22, ST हैं 2, और टोटल हो गई 138। तो दोस्तों देख सकते हैं जो आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए आप कर सकते हैं, बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस कैटेगरी का। तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल द फॉर्म, तो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम, कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, यहाँ पे देखिए दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है अप्लाई, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो ये अभी एक पेज मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। जब तक ये पेज खुलता है अभी, तब तक मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए अभी ये पेज खुल जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में क्योंकि काफ़ी हैवी सोर्स है। नहीं ये तो उन्होंने गलत लिंक दे रखा दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, हम सुपर से बैक करते हैं अभी। दोस्तों ये वाला लिंक नहीं चल रहा है क्योंकि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे अभी लिंक आ रहा था इन्होंने हटा दिया है वो लिंक,
कोई नहीं दोस्तों, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आप देखें तो यहाँ पे भी अप्लाई ऑनलाइन का वो आ रहा है एक लिंक, इस पर क्लिक कर सकते हैं आप, जो मैंने अभी क्लिक कर दिया है। जब तक वो खुलता है इसके बारे में प्रॉपर हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। कि BPSC अप्लाई कर सकते हैं जो जिनको अप्लाई करना है 17th of April से 29th of June तक। बाकी नीचे नोटिफिकेशन है, अब इसमें हमें क्या क्या देना है। इसमें लिखा हुआ है कि काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म, फोटो, साइन आईडी प्रूफ एक्सेट्रा लगेगी इसके अंदर, वो आप सब नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों मैंने दो चीज़ें खोली हैं यहाँ पे, कि एक तो ये देखिए, एक तो हमने ये खोल दिया है अप्लाई ऑनलाइन का, ये एक एक्सटेंडेड नोटिस भी है कि डेट एक्सटेंड हो गई है BPSC की। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो ऑनलाइन डेट थी 22nd of June तक थी, लेकिन अब जो इन्होंने ऑनलाइन एक्सटेंड कर दिया है वो 29th of June कर दिया है, 7 दिन का टाइम दे दिया है बच्चों को। बाकी दोस्तों ये देखिए, ये एक और फॉर्म खुल रखा है जो इसका नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन साइट थी। ये देखिए दोस्तों, ये BPSC की साइट है। अगर आपने पहले से ही इसमें यूज़र हैं, आपने पहले भी कभी फॉर्म भरा था BPSC का, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके नए यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यहाँ लिखा हुआ है, AAO, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक और भी जॉब निकली हुई है, इसकी भी वीडियो में लेटेस्ट आपको डाल दूंगा, जब तक आप इस वीडियो को अभी कंप्लीट कर लेते पहले। ये देखिए, ये पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये भी एक मैं इसकी वीडियो ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। दोस्तों इसको आप अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।